नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मरवाही उपचुनाव में प्रचार करने के लिए अजीत जोगी के पैतृक गांव जोगी सागर के अलावा भदौरा गांव पहुंचे और यहां चुनावी सभाओं को संबोधित किया। यहां कौशिक ने अपने प्रदेश सरकार को आम जनता के साथ धोखा करने वाली और केंद्र की योजनाओं को रोकने वाली सरकार बताते हुए जमकर निशाना साधा। साथ ही किसानों गरीबों के साथ अन्याय करने वाली सरकार बताया। वही कौशिक ने कहा, मरवाही की जनता होशियार और चतुर है और कांग्रेस की सरकार के धोखे और घोषणा पत्र की वादा खिलाफी को समझ गई है। किसान ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, युवाओं के मन में भी आक्रोश है और मरवाही की जनता इस बात का जवाब देगी। देखिए, मरवाही के जनता होशियार है, चतुर है और जिस प्रकार से कांग्रेस की नीति रही है उसको समझ गई है। 20 महीने के सरकार के कार्यकाल में इन्होंने केवल आम जनता को धोखा दिया है। जिस प्रकार से चुनाव में इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, जनता घोषणा पत्र को देखा और उनको लगा कि ये सरकार कुछ काम करेगी, लेकिन आज तक किसानों का धान का भुगतान फरवरी में खरीदी हो गई है और खरीदी होने के बाद में दिसंबर से लेकर के फरवरी आखिरी हो गई है, 2500 रुपया अभी तक किसी किसानों के खाता में नहीं आया। ये इस बात को साबित कर रही है इनके किसान अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बेरोजगार युवक को जो भत्ता देने की बात आई, आज जो शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया हुई, आखिर उनको आंदोलन करना क्यों पड़ रहा है? नियुक्तियाँ इनके समय में हुई है, केवल आदेश जारी करना है, लेकिन आदेश जारी नहीं कर रही है, बल्कि जो पात्र है उनका नाम अब दूसरा सत्यापन के नाम से निकाला जा रहा है और ऐसे युवकों के मन में काफ़ी आक्रोश है।